आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर बैटरी का व्यवसाय कैसा है। जैसे रिसेंटली आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के बाद में काफी मतलब बूम में चलने वाला है, ग्रोइंग बिजनेस जो बैटरी बिजनेस है, क्योंकि जैसे काफी लोगों के मतलब जॉब चले गए, काफी लोगों के जहाँ पे मतलब काम करते थे काफी मतलब जॉब चले गए, सो काफी लोगों को काफी दिक्कतें हुई। और ऐसे में अगर कोई बिजनेस डालना है सो बैटरी बिजनेस ये काफी ग्रोइंग बिजनेस है। सो इसके कुछ बातें हम शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, सो वीडियो पे बन रही है। मैं निखिल आपका दोस्त अनुस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आप हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो ग्रोइंग बिजनेस क्यों, जैसे लॉकडाउन के बाद में आपने देखा होगा काफी लोग घर में थे और उसके बाद में काफी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया बैटरी शॉप वालों से, जैसे जंप स्टार्ट देना है, किसी के घर में जाके गाड़ी शुरू करनी है, या फिर काफी लोगों की बैटरियां भी खराब हो गई है तो काफी मात्रा में लोगों ने बैटरियां खरीदी है, बैटरियां शुरू की है, चार्जिंग में दी है। सो ये काफी मतलब लॉकडाउन के बाद में चलने वाला काफी बड़ा ये बिजनेस काफी ग्रोइंग बिजनेस है। उसके बाद में फ्यूचर की बात करेंगे। सो आने वाले जैसे कुछ टाइम के बाद में जैसे पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी, अब कई कई जगह पे डीजल गाड़ियां बंद हो गई है, सो पेट्रोल गाड़ियां चलती है। सो हो सकता है इन फ्यूचर जैसे पेट्रोल गाड़ियां, डीजल गाड़ी दोनों बंद होने के बाद में इलेक्ट्रिक पे चलने वाली कार गाड़ियां जैसे अभी भी है सो उसका भी काफी बूम होने वाला है। तो बैटरियां काफी मात्रा में लगने वाली है, मतलब बैटरी का बिजनेस ऐसा है कि बैटरी हमेशा आपको लगने ही वाला है क्योंकि ये स्टोरेज कैपेसिटी का भी काम करती है। कहीं भी आपको बैटरी मतलब जाना है, कहीं भी लगाना है, जैसे जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर मतलब लाइट चली गई तो वहां पे जनरेटर का यूज होता था, तो अभी ऐसा हो रहा है कि कोई बैटरियां लेके जाते हैं, कहीं आपको फंक्शन में जाना है, कहीं लॉन्ग टूर पे जाना है, कहीं एडवेंचरस लाइफ मतलब घूमने जाना है, कहीं पे पिकनिक पे जाना है, सो वहां पे भी आप बैटरी लेके जा सकते हैं। कहीं रात के समय में आपको जाना है, लाइटिंग लगानी है, म्यूजिक लगानी है, तो वहां पे भी आपको बैटरी लेके जाके एक स्टोरेज कैपेसिटी का काम करती है बैटरी, और वहां पे जाके आप मतलब ये अच्छा खासा लाइटिंग लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, सो बैटरी पे काफी काम होते हैं। सो मतलब बैटरी बिजनेस ऐसा है कि आपका ग्रोइंग बिजनेस है। डेली डेली गाड़ियां बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गाड़ियां सभी के पास में होती है, और सभी मतलब हर एक घर में आपको गाड़ी दिखेंगी, हर एक घर में बैटरी दिखेंगी, और मैक्सिमम जहां पे लाइट जाती है, ज्यादा पावर कट होता है वो एरिया में भी बैटरी ज्यादा जाती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है। सो यूपीएस बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, और जैसे ऑटोमोटिव सेगमेंट में कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, ये चलने वाले बिजनेस है। ट्रांसपोर्ट का भी बंद नहीं होने वाला है, और टूर ट्रेवल्स ये भी हमेशा चलती है। सो सभी को लगने वाली बैटरी ये मतलब बैटरी चलती है। सो आप बैटरी बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, बैटरी आप लगा मतलब लगा के आप बैटरी बिजनेस सेटअप करके ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग बिजनेस है, आगे चल के मतलब हमेशा ही चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि गाड़ियां चलनी बंद नहीं होंगी, कार चलने बंद नहीं होंगी, ट्रैक्टर जो है वो चलने बंद नहीं होने वाले, ट्रक बस, तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर की गाड़ियां, बैटरियां और इन्वर्टर की बैटरियां जैसे घर में हम लगाते हैं, और बड़े बड़े सेक्टर में जैसे फैक्ट्री होगी है, बैंक सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, जहां पे कंप्यूटर वगैरह वर्किंग होते हैं, सो वहां पे अगर एक मिनट की भी लाइट चलेगी तो उनका काफी नुकसान होता है। सो इसीलिए बैकअप के लिए वो बैटरी लगाती है, मतलब इन्वर्टर लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, उसके साथ में काफी ज्यादा सेटअप आता है तो वो लगाते हैं। सो ये बैटरी का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला बिजनेस, तो ये चलते रहेगा, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है कि अभी फिलहाल थोड़ा टाइम लगे, पर इन फ्यूचर में बिजनेस काफी ग्रो हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको कोई भी जानकारी चाहिए होंगी सो हमारे कुछ वीडियो बने हुए हैं कि कैसे डीलरशिप लेना है, कैसे बैटरी का बिजनेस के बारे में हमने काफी सारे वीडियो बनाए हैं। आप हमारे सारे वीडियो देख के बैटरी के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं, और आपको कुछ भी जानना होगा कोई बेसिक जानकारी से लेके, और मतलब आपको ये बिजनेस डालना होगा तो काफी कुछ जानकारी लेना होगा, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसके अगेंस्ट में हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। और बेटर है कि आप हमारे वीडियो फॉलो करते हैं, देखते हैं, सो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। और अगर आप हमारे वीडियो में नए होंगे, नए वीडियो देख रहे होंगे, जो भी कोई होगा हमारे विजिटर जो नए वीडियो देख रहे होंगे, सो हमारे काफी सारे वीडियो बने हैं, सो ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या कुछ भी आपको मन में कुछ भी अलग डाउट होगा बैटरी के बारे में, या फिर बिजनेस जैसे हम बता रहे कि बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, तो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें क्वेश्चन कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम सारे सवालों का जवाब आपको दे देंगे, और कुछ भी इशू है सो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका रिप्लाई दे देंगे। या फिर अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन रहा, हमको लगा कि उसके लिए वीडियो बना के अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो बैटरी बिजनेस काफी ग्रोइंग बिजनेस है, जैसे हम बात करें बैटरी बिजनेस के बारे में, सो काफी चलने वाला बिजनेस है, अच्छा एरिया देख के सो वहां से आप कर सकते हैं। अगर आप घर से भी ये बिजनेस करते हैं सो ये सर्विस बेस्ड भी बिजनेस आप समझ के चल सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपके कस्टमर बन गए
सो आपके घर में भी आके आपको मतलब पर एक रश भरे एरिया वाले जगह पे चाहिए। सो बेटर है कि आप कहीं स्क्वेयर हो, कहीं पॉपुलेशन वाली एरिया मतलब रश वाली एरिया है जहाँ पे काफी सारी गाड़ियां है, जहाँ पे लोग आते जाते हैं, सो वहां पे डालेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा। पर बैटरी बिजनेस लॉकडाउन के बाद में तो काफी चलने वाला काफी बिजनेस है, क्योंकि तो लोगों के काम शुरू हो गए, गाड़ियां चलनी शुरू होगी, कार चलनी शुरू होगी, ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, और एक जगह पे गाड़ी खड़ी रहने के बाद में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको नई बैटरी डालना ही पड़ता है, रखे रखे बैटरी खराब हो जाती है। अगर आपको आपकी बैटरी की भी अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, अगर आप अपनी गाड़ी नहीं चलाते एक ही जगह पे एक महीना गाड़ी खड़ी है तो बैटरी खराब होने के चांसेस है। अगर आप हफ्ते भर में एक बार भी गाड़ी शुरू करते हैं तो ठीक है, पर अगर आपकी गाड़ी डेली में शुरू है तो आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी शुरू ही नहीं होती है, महीना महीना भर महीने में एक दो बार ही शुरू होती है, सो बैटरी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि जगह जगह पे खड़ी रखी गाड़ी से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद में बैटरी में प्रॉब्लम आना शुरू होती है और बैटरी की लाइफ कम कम होती जाती है। अगर आप कंटिन्यू डेली गाड़ी शुरू करते हैं तो बैटरी भी चार्ज डिस्चार्ज का काम करते हैं, क्योंकि सर्किट एक ऐसा होता है गाड़ियों में कि बैटरी डिस्चार्ज होती है जब गाड़ी बंद हो और जब चालू होती है तब वो चार्ज होती है, सो हिसाब से वो वर्किंग होता है, सो आपकी बैटरी की लाइफ मिलती है। अगर आप गाड़ी शुरू नहीं करेंगे, काफी दिन तक बंद रहेगी तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सो इसी तरीके से ये लॉकडाउन में इसी की वजह से काफी लोगों के मतलब गाड़ियां सभी के पास में है, टू व्हीलर की गाड़ियां सभी लोगों के पास में है, फोर व्हीलर भी काफी लोगों के पास में है। सो जो कम पैसा भी कमाता है उसके पास में भी आज के डेट में गाड़ी है, सो बैटरी के प्रॉब्लम सभी की गाड़ियों में आई है, मतलब बैटरी की प्रॉब्लम। सो सभी लोगों ने बैटरी शॉप में जाके बैटरी डलवाई है, उसके बाद में कांटेक्ट करा है लोगों से कि कार एक जगह पे खड़ी है सो शुरू करना है, सो उसके भी पैसे चार्जिंग करते हैं, जैसे जंप स्टार्ट सर्विस है तो काफी सारी सर्विस होती है। आप किसी के घर में जाते हैं तो 100-200 रुपए आपको ऐसी मिलती है गाड़ी स्टार्ट कराने के, बैटरी चेक करने के, अगर नई बैटरी डालना है आपको कार के लिए सो उसमें भी आप 500-600 कमा सकते हैं, इन्वर्टर पे भी आप कमा सकते हैं, टू व्हीलर के बैटरी पे भी आप कमा सकते हैं, मतलब अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है। तो हमने जो बात करी है कि बैटरी यूपीएस बैटरीज का व्यवसाय कैसा है, करना चाहिए कि नहीं, तो एक अच्छा व्यवसाय आप कर सकते हैं शुरुआत में, अगर आप करेंगे हो सकता है एक दो साल टाइम लग सकता है ग्रोइंग होने के लिए, उसके बाद में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो ये बेस्ट बिजनेस है, आप ये कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो जो हमने जानकारी आपको देने की कोशिश करी है, आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो हमारे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहे, कुछ देर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।